क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स का तूफानी मुकाबला, तो आइए आपको बताते हैं पूरी हाईलाइट। सबसे पहले तूफानी मुकाबले में ऋषभ पंत ने टॉस जीता। टॉस जीतते ही फील्डिंग करने का फैसला किया ऋषभ पंत ने। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी गुजरात टाइटंस की टीम और मैथ्यू वेड अतरंगी शॉट खेलने के चक्कर में बल्ले का एज एवेड है। ऐसे में एज लेकर गेंद गई सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में और उन्होंने कैच पकड़ ली, जिसके चलते एक रन बनाकर दो गेंदों का सामना करते हुए मैथ्यू वेड की बड़ी विकेट मिली दिल्ली कैपिटल्स को। तीसरे नंबर पर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर, ये भी क्लीन बोल्ड होकर रह गए कुलदीप यादव के हाथों। तीसरे नंबर के बल्लेबाज हैं 20 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन बनाकर काफी खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आ गए थे, इन्होंने 31 रनों की धाकड़ पारी खेली, तभी ये भी खलील अहमद की गेंद पर पोल को अपनी कैच से बैठे और 31 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते हुए हार्दिक पांड्या आउट हुए। तो अंत तक बल्लेबाजी कर रहे थे शुभमन गिल, जिन्होंने इस मुकाबले में 84 रनों का तूफानी अर्धशतक लगाया था। ऐसे में शतक लगाने की चाह में बड़े शॉट्स खेल रहे थे। खलील की इस गेंद को छक्का मारने की चाह में नीचे गड़े अक्षर पटेल को शुभमन गिल अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे, जिसके चलते 84 रन बनाकर शुभमन गिल 46 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए। उनके बाद आखिर में दो विकेट गिरे, राहुल टिवेटिया 14 रन बनाकर आउट हो गए 8 गेंदों का सामना करते हुए अभिषेक मनोहर 1 रन। ऐसे में हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की तूफानी पारियों की बदौलत 171 रन लगा पाई 6 विकेट के नुकसान पर गुजरात टाइटंस की टीम। ऐसे में टारगेट का पीछे करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दोस्तों शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स की काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों हार्दिक पांड्या की शॉर्ट गेंद पर सामने खड़े फील्डर को टिम सिफर्ट अपनी कैच से बैठे और यहीं पर पहले सलामी बल्लेबाज टिम सिफर्ट आउट हो गए। दोस्तों इस मुकाबले में सिफर्ट 3 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे हार्दिक पांड्या के हाथों। उनके बाद पृथ्वी शॉ भी शॉर्ट गेंद पर लुकी फर्गुसन की फंस कर रह गए। दोस्तों जैसे इन्होंने शॉट खेला तो गेंद के नीचे विजय शंकर आ गए, जिसके चलते इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ मात्र 10 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों तीसरे नंबर पर आए थे मनदीप सिंह। दोस्तों इनको भी लुकी फर्गुसन ने इस तरीके से फंसाया और कैच आउट करा दिया विकेट कीपर के हाथों। इस तरीके से मैथ्यू वेड ने उनकी शानदार कैच पकड़ी। इसी के साथ तीसरे नंबर के बल्लेबाज मनदीप सिंह भी 18 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद ललित यादव बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन अभिनव मनोहर के हाथों रनआउट हो बैठे कुछ इस तरीके से। ऐसे में रनआउट के चलते इस मुकाबले में ललित यादव बड़ी बारी नहीं खेल पाए, 25 रन बनाकर 22 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों फिर मैदान पर आए कप्तान ऋषभ पंत और विकेट कीपर बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स के। ऐसे में इनके कांधों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जैसे इनके सामने लुकी फर्गुसन ने शॉर्ट गेंद रखी तो ये भी चारों खाने चित्त होकर रह गए। अभिनव मनोहर ने शानदार डाइव मारकर इनकी कैच पकड़ी तो 43 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते हुए ऋषभ पंत अपनी विकेट गवा बैठे। यहां से पूरा मैच बदल कर रह गया। उनके बाद अक्षर पटेल इस तरीके से पुल शॉट खेलने के चक्कर में मैथ्यू वेड को इस तरीके से अपनी कैच से बैठे, जिसके चलते इस मुकाबले में अक्षर पटेल भी लुकी फर्गुसन के हाथों वेड को कैच देकर 8 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए आउट होकर रह गए। उनके बाद शार्दुल ठाकुर इस तरीके से LBW आउट होकर रह गए राजू खान की घूमती हुई गेंद पर, जिसके चलते शार्दुल ठाकुर भी मात्र 2 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए। दोस्तों उनके बाद रोमन पोहेल इस तरीके से LBW आउट हो गए शामी की करारी गेंद पर। दोस्तों खतरनाक बल्लेबाज को आउट किया मोहम्मद शामी ने 20 रन पर 12 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों उनके बाद आखिरी विकेट गिरी खलील अहमद की, जो इस तरीके से शॉर्ट गेंद को खेलने के चक्कर में शामी की टच तो खेल बैठे, लेकिन गई मैथ्यू वेड के हाथों में गेंद और खलील भी 0 रन पर आउट हो गए, जिसके चलते अंत में आकर गुजरात टाइटंस की टीम ने 16 रनों से शानदार मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का मुकाबला समाप्त हो चुका है और गुजरात टाइटंस ने 14 रनों से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला हरा दिया है। दोस्तों आप गुजरात की इस टीम को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए